मोदी जी, सही बात है कि आज कांग्रेस पार्टी को तो ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि अलायंस पार्टनर कौन है और उनके साथ वो कितना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं आम जनता के। आपने 2014 में कई महीने पहले अपनी पूरी मुहिम, पूरी रैलीज वगैरह शुरू की थी और एक कनेक्शन आपने बनाया था आम जनता के साथ। 2014 में लोगों की आंखों में एक चमक होता था, एक मोदी मैजिक का चमक होता था, 10 साल की कांग्रेस की रूल से वो बेहाल थे। 2019 में लोग कहते हैं वो मैजिक शायद नहीं होगा, क्योंकि अब 5 साल के कार्यकाल का जवाब और उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स अगर रही हो तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे। देखिए, अगर आप ये कहें कि मैं चुनावी रैलियां कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ अन्याय होगा। मेरा पिछले 18 साल का इतिहास देख लीजिए, जब से 2001 से मैं इस शासकीय दुनिया में प्रवेश किया, कोई फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा नहीं होगा जब मैं जनता के बीच नहीं रहा। देश के किसी न किसी कोने में भी पिछले 5 साल से मैं जा रहा हूं और इसके पीछे मेरा ये कन्विक्शन है कि लोकतंत्र में हम एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बाबुओं के द्वारा देश को नहीं चला सकते। देश बहुत बड़ा है, विशेषताओं से भरा हुआ देश है और इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जनता के बीच जाना चाहिए, जनता से संवाद करना चाहिए। तो मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं। अभी चुनाव में जो जा रहा हूं वो मेरा ये थैंक्स गिविंग का कार्यक्रम है। मैं जनता का धन्यवाद करने जा रहा हूं कि आपने 5 साल मुझे जो सहयोग दिया, आशीर्वाद दिए, कठिन से कठिन पलों में भी देश मेरे साथ रहा। मुझे बराबर याद है नोटबंदी के समय वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप जिनकी नोटें जा रही थी, जिनके सारे खेल खत्म हो रहे थे, उन्होंने देश की जनता को भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कतारें दिखाते रहे, टीवी वाले भी कतारें दिखाते रहे। ये देश का सामान्य मानवी का विश्वास, ये देश के सामान्य मानवी की इस सरकार के प्रति अपार श्रद्धा, कुछ नहीं हुआ। 80% से ज्यादा करेंसी बदल गई और देश की जनता ने हमें साथ दिया। ऐसे कई पल आए, कई पल आए। पुलवामा के बाद एक पल सरकार शायद नहीं टिक सकती थी, नहीं टिक सकती थी। 40 जवानों का शहीद होना छोटी बात नहीं थी, लेकिन देश उसको भरोसा था कि सब्र करो, मोदी जी हैं, जरूर कुछ करेंगे, उनका कोई दोष नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। और देश ने करके दिखाया और इसलिए इस चुनाव में मेरे 5 अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां तक आंखों के तेज का सवाल है, मैं समझता हूं कि देश की जनता की पहले से ज्यादा चमक है। इस बार की चमक आत्मविश्वास की चमक है। पहले वाली चमक में जो थोड़ा लाल रंग दिखाई देता था वो सरकार के प्रति गुस्से का था। इस बार चमक में चांदनी की शीतलता अनुभव होती है, वो मोदी के प्रति आशीर्वाद का भाव है।